हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द लास्ट लेक्चर अपन ने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू व्हाट अ फाइनाइट लेंथ वायर, और उसका फॉर्मूला अपने को मिला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट? यही अपने को मिला था उसमें. सो इसके ऊपर मैं एक दो क्वेश्चंस वन सॉल्व करते हैं. ओके, सी यू. सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था डी क्या होता है. डी इज़ हमेशा वायर और पॉइंट बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डी. थीटा वन और थीटा टू क्या होगा, एंगल्स होंगे. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, ये वाला एंड पे थीटा वन और ये वाला एंड पे थीटा टू आएगा उसमें. ओके, नीचे के डायरेक्शन में. कि मान लो कि आपके पास मैं एक कंडक्टर दूंगा, दिस इज करंट आई एंड दिस इज योर पॉइंट पी. ओके, सो दिस इज डी, दिस वन इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 30 डिग्री, राइट? तो उसमें डी क्या होगा, थीटा वन क्या होगा और थीटा टू क्या होगा, वो अपने को लिखना है बस. तो डी तो डी होगा बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर से पॉइंट पी में डी है, तो डी के जगह पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे. थीटा वन, अब ये लाइन से ये वाला एंड पे ऊपर कितना एंगल दिख रहा है, 60. तो थीटा वन आप क्या लिखोगे, 60 डिग्री आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें. थीटा टू, ये लाइन से नीचे देखने का और ये वाला एंड पे कितना एंगल बना रहा है, 30. तो थीटा टू का वैल्यू अपन क्या लेंगे, 30 लेंगे उसमें. ओके, फिर ये जो वैल्यूज दिया है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर अपने को आ जाएगा उसमें, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ऐसा वायर है, ठीक है? सो दिस इज गिवन ए एंड दिस इज गिवन 30 डिग्री और ये भी दिया है 30 डिग्री. नाउ इन दिस एग्जांपल ये अपना वायर है सर, करंट कैरिंग वायर. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, व्हाट इज थीटा वन एंड व्हाट इज थीटा टू. व्हाट इज डी, व्हाट इज थीटा वन एंड व्हाट इज थीटा टू. सो डी इज़ ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? मतलब ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. तो अगर ये ट्रायंगल अपन देखेंगे, ये ए हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, मतलब ये डी होना चाहिए ना, ये वाला. थीटा का एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए कॉस 30, राइट? क्लियर एवरीवन? तो डी का वैल्यू क्या मिला, ए कॉस 30. यू गॉट ए कॉस 30 वैल्यू. थीटा वन, सो फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन से देखूंगा ऊपर की तरफ ये वाला एंड पे, तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये 30 और ये 30, टोटल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. ओके, थीटा टू, इस लाइन से नीचे आऊंगा और कहाँ तक आऊंगा मैं, ये एंड तक. तो जब मैं ऐसे देखूंगा तो ये एंड यहाँ पे आ रहा है. तो अगर मैं इधर से ऐसे पूरा राउंड मारूंगा तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 होगा. लेकिन मुझे पूरा राउंड मारने की तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे आके मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा ये एंड पे. कितना एंगल बच रहा है, 30. तो 360 में से 30 डिग्री बच रहा है ना, 360 माइनस 30 कितना हुआ, 330 डिग्री. 360 माइनस 30 विल बी 330 डिग्री. सो दैट इज थीटा टू. ऐसे लेना है आपको. ओके, सो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल और एक डिफ़िकल्टी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल. अगर आपको इस दोनों में क्लियर है तो आप कोई भी सम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो उसमें. ओके, नेक्स्ट गिव हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, डेरिवेशन. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
infinite wire, magnetic field due to infinite wire. Clear? So infinite means now this will extend up to infinity. This will extend up to infinity. एकदम ऐसे ऊपर जाते ही रहेगा. तो उसको अगर ये ड्रॉ करेंगे अपन लाइन, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90. तो जैसे ये भी आगे जाते ही रहेगा, तो उसको भी ज्वाइन करने है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा 90. तो इनफाइनाइट वायर बोलते ही थीटा वन और थीटा टू दोनों वैल्यूज क्या लेना आपको 90 डिग्री. फॉर विच केस? इनफाइनाइट वायर के लिए. ओके, थीटा वन एंड थीटा टू यू हैव टू टेक 90. सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव? वी हैव फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इनटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू. थीटा वन थीटा टू आर 90 डिग्री ईच. तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90. साइन 90 इज़ वन, साइन 90 इज़ वन. तो विल गेट 1 प्लस 1 कितना होगा 2. तो गेट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी. 1 प्लस 1 इज़ 2. ये 2 टू कैंसिल, विल गेट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट वायर्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. ओके, राइट डाउन दिस. सो वही क्वेश्चन में अगर बोला अपने को कौन सा वायर? सेमी इनफाइनाइट वायर. ओके, देन देखना उसका कैसे आएगा वैल्यू. सेमी इनफाइनाइट वायर मीन्स आधा ही, आधा पार्ट इनफाइनाइट रहेगा, आधा पार्ट इनफाइनाइट रहेगा और ये नहीं रहेगा उसमें. सो थीटा वन 90 है और थीटा टू डायरेक्टली ज़ीरो हो जाए क्योंकि वायर इधर ख़त्म हो रहा है ना डी. तो थीटा वन तो 90 डिग्री है लेकिन थीटा टू क्या होगा? ज़ीरो होगा. ये तो एक्सटेंड होगा तो ये 90 पे जाएगा लेकिन दूसरा एंड वायर का कहाँ पे? इधर ही है ना. तो थीटा टू विल बी ज़ीरो. तो इट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा वन कितना है 90 और थीटा टू कितना है 0. साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0. तो बचेगा 1. अच्छा, फार्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी. सेम फॉर्मूला, समझा? सो दैट इज फॉर व्हाट? सेमी इनफाइनाइट वायर. फाइनाइट और पूरा इनफाइनाइट वायर में ये 4 के जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा उसमें. ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट डेरिवेशन. नेक्स्ट डेरिवेशन राइट डाउन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग. सो एक वायर लिया, उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर. उसका एक्सिस, एक्सिस मीन्स व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. ऐसे कहीं पे भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, पॉइंट पी. सेंटर से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस मान लो एक्स. और यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, स्मॉल एलिमेंट इज डी एल. इसको इधर से
ज्वाइन करो, ये हो जाएगा आर। इस ट्राइंगल अगर आप देखोगे, इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यू गेट आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट ना। पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज़ किया है। सो ड्यू टू दिस स्मॉल, पहले अपन क्या करेंगे, ये पूरा रिंग के वजह से इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे इन दिस डायरेक्शन। इस रिंग के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी। ओके, तो यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, तो अगर ये है इन दिस केस, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ओके, अलोंग आर यू प्लेस योर पाम, देन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट डी एल, यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड डी बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो लेट्स से दिस इज एन एंगल थीटा, देन दिस वुड बी 90, देन दिस वुड बी व्हाट, 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा यहाँ पे। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डी एल लूँगा, तो उसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा डी बी। ओके, सो लाइक सेम यहाँ पे भी ये थीटा हो जाएगा, राइट। सो अगर ये दो, सिर्फ दो ही एलिमेंट लूँगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट अगर मैं लूँगा, तो ये डी बी को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ये डी बी को दो पार्ट में ऐसे आ जाएगा लाइक दिस। ओके, ये जिसके साथ एंगल है वो बनेगा कॉस कंपोनेंट, तो डी बी कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, और ये डी बी साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। ओके, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो डी बी साइन थीटा और यहाँ पे क्या आएगा, डी बी कॉस थीटा आएगा। जिसके साथ एंगल वो कॉस बनेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा को डायरेक्टली क्या लेगा, साइन थीटा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आउट ऑफ डी बी, डी बी के टर्म में कॉस कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या, बच रहा है साइन बच रहा है, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा हो जाएगा उसमें, ठीक है। व्हाट इज डी बी वैल्यू, डी बी जो अपने को पता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, करंट इज आई इंटू स्मॉल एलिमेंट इज डी एल साइन थीटा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, आर स्क्वायर है, राइट ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा वैल्यू इन दिस ट्राइंगल, थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आर बाई स्मॉल आर, दैट इज आर बाई स्मॉल आर, then it would be mu naught upon 4 pi I by r square into r will be r cube into capital R, you will get integration of what, dl आपको मिल जाएगा उसमें। What is integration of dl, ऐसे dl elements add करेंगे तो क्या मिलेगा, you will get circumference again, तो circumference के integration of dl के जगह पे आप क्या लिखोगे, you will write 2 pi r, so it is म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इन टू आर बाई आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी टू पाई आर, सरकमफरेंस ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का रेडियस कितना है, इट इज आर, सो दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इन टू आई आर स्क्वायर, और ये यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, टू और टू कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और ये टू कैंसिल, सो वी विल राइट हियर सो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर इंटू आर आर स्क्वायर, नीचे यहाँ पे टू और आर क्यूब बचेगा, राइट ना, टू एंड आर क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, और आर ऑलरेडी अपन ने फाइंड आउट किया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
तो r को लिखूंगा मैं x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट मीन्स रेस टू वन बाई टू, राइट? तो रेस टू वन बाई टू, और यहाँ पे पावर कितना है? थ्री, क्यूब है ना. तो इट इज म्यू नॉट आई एन टू आर स्क्वायर बाई टू. पहले r का वैल्यू लिख लो, एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री, और वहाँ पे वन बाई टू है, तो पूरा मिलके कितना होगा? थ्री बाई टू. सो दिस इज़ अ फार्मूला फॉर वॉट? मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल. तो इसमें अपन ने क्या किया है? इट्स वेरी सिंपल. वी हैव डन, वी कंसिडर द टू एलिमेंट्स. दो एलिमेंट लिए अपन ने, कौन से? ये वाला और ये वाला. इस डी एल का बी इधर आएगा और इस डी एल का बी इधर आएगा. तो इसको जब दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट बचेगा, डी बी साइन थीटा. इसके लिए मैंने बी क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा. फिर डी बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया अपन ने, साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी टू पाई आर. सॉल्व किया, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर बोला क्वेश्चन में एन टर्न्स है, एन टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू. सिंपली यू विल रिप्लेस करंट आई बाई एन इंटू आई. करंट आई को किससे आप रिप्लेस करोगे? एन इंटू आई से आप रिप्लेस करोगे. ओके, सो नाउ वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन क्या दिख रहा है? राइट साइड दिख रहा है ना, ये वाला. तो इधर भी क्या होगा? राइट होगा. इधर भी क्या होगा? राइट होगा. इधर भी क्या होगा? राइट होगा. लाइक दिस. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वॉट? मैग्नेटिक फील्ड. सो अगर मैं इसको ऐसे इसका डायग्राम ड्रॉ करूँगा मैं, देन सर्कुलर कॉइल ऐसा है ना, तो यू गेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लाइक दिस. ओके, और मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँगा बी और एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस एक्स. व्हाट इज एक्स? पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, आइडेंटिकल सिमेट्रिक ग्राफ मिलेगा. जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. बट एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है यहाँ पे. कहाँ पे? ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया. लेकिन ये पॉइंट क्या है? सेंटर है. लेकिन करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल तो ऑलरेडी अपने कैलकुलेट किया एट द सेंटर. एट द सेंटर अपना डेरिवेशन क्या आया था? म्यू नॉट आई बाई टू आर, राइट? सो म्यू नॉट आई बाई टू आर जो ऑलरेडी अपने कैलकुलेट किया, सो एट द सेंटर इट इज़ मैक्सिमम. फिर जैसे मैं आवे जाऊँगा एक्सिस के ऊपर से आवे जाते रहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होते रहेगा उसमें. ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर अबाउट द मैग्नेट्स, राइट? थैंक यू.